बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया पेट्स क्रॉस की जानिब से हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर। चार दिन पहले वाली वीडियो में बताया था कि आपने चेरी या पाइड ग्रीन रिंग नेक को कैसे प्रोड्यूस करना है, और उसी में इंटरेस्टिंगली हमने जिक्र किया था कि चार दिन के बाद हम वीडियो लाएंगे जिसमें हम बताएंगे कि इन पाइड से आपने येलो कैसे निकाल सकते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, और ये पार्ट टू है उस वीडियो का। उस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। और मैं आपको उस वीडियो के सिर्फ हाइलाइट्स बताऊंगा कि हाइलाइट्स में हमने उसमें जो बच्चे पैदा हुए वो 100% जो है वो स्प्लिट पैदा हुए, ग्रीन और येलो के स्प्लिट, जिसको पाइड या चेरी कहेंगे। और उन जितने बच्चे पैदा हुए उसमें से आधे बच्चे नर पैदा हुए, आधे मादी पैदा हुई। 50% मेल स्प्लिट थे और 50% फीमेल स्प्लिट थे। आज की वीडियो को दो ऑप्शन आपके सामने पेश कर रहे हैं। पहली ऑप्शन में और दोनों का मकसद जो है वो येलो रिंग नेक को पैदा करना है, यानी कि इनमें से येलो रिंग नेक को सस्ती म्यूटेशन से महंगी म्यूटेशन को पैदा करना है। तो पहली ऑप्शन में आप जो स्प्लिट का जो मेल थे, जितने भी मेल पैदा हुए और जितनी फीमेल पैदा हुई, इन सबको आपस में क्रॉस लगा देंगे। एक ही वक्त में जितने भी बच्चे आपके पास 100 हैं, 50 हैं, ये स्प्लिट को उनके जो मेल हैं वो फीमेल के साथ लगा देंगे। और हर जोड़े में से, अच्छा उससे पहले मैं आपको इनकी जीनोटाइप बता दूं, ये मेल स्प्लिट है, दोनों ही एक्स होते हैं क्रोमोसोम। तो और ये स्प्लिट है, स्प्लिट का मतलब ये है कि एक पर इनो पाया जाएगा, क्योंकि ये इनो का स्प्लिट है। तो दैट मीन कि ये इसका जीनोटाइप होगा एक्स इनो और सादा एक्स। और जो फीमेल आप स्प्लिट की ले रहे हैं, उस फीमेल में एक्स और वाई होता है क्रोमोसोम, और इसका जीनोटाइप बनेगा जो कि स्प्लिट है, इनो का स्प्लिट है, तो एक्स इनो और वाई। और जब आप इसको पुनेट स्केयर में इसकी क्रॉस ब्रीड देखते हैं तो चार ऑप्शंस आएंगी। चार ऑप्शंस में 25% जो है वो येलो रिंग नेक के बच्चे निकल रहे हैं इसमें, 25%। यानी कि आपने 100 पेयर्स लगाए हैं तो 25 जो बच्चे हैं हर पेयर के, चार बच्चे अगर निकल रहे हैं उसमें से हर एक का एक एक बच्चा जो है, 25 बच्चे जो हैं वो येलो रिंग नेक के निकलेंगे, और 25% बच्चे हैं वो ग्रीन रिंग नेक काठा सादा उसकी फीमेल निकलेंगी, मादियाँ। और फिर 25% जो हैं वो स्प्लिट की फीमेल मादियाँ निकलेंगी, यानी कि जो जिस तरह के इनके माँ बाप थे उस तरह की चिक्स आए, लेकिन वो फीमेल चिक्स होंगी। और फिर 25% जो है वो स्प्लिट मेल के, नर के स्प्लिट निकले। अभी ये ऑप्शन वन थी। इस ऑप्शन में आप देखें कि रिजल्ट के तौर पे आपको 25% येलो रिंग नेक। अभी सेकंड ऑप्शन हैरान कन ऑप्शन कि उसमें आप जो है वो 50% बच्चे, आधे बच्चे भी येलो ले सकते हैं। इतनी ज़बरदस्त ऑप्शन आपकी खिदमत में दे रहे हैं। और सेकंड ऑप्शन में आप दो तरह से इसको करेंगे, मादियाँ जितनी स्प्लिट की पैदा हुई और जो मेल आपके स्प्लिट के पैदा हुए उनको अलग अलग कर लें। जितने मेल स्प्लिट थे उनका जीनोटाइप एक्स इन और एक्स है, उसके साथ आपने येलो की फीमेल्स लगानी है जिनका जीनोटाइप एक्स इनो होगा। और रिजल्ट के तौर पे आप पुनेट स्केयर में देख सकते हैं कि 25% बच्चे जो हैं वो एक्स इनो और एक्स इनो के साथ येलो रिंग नेक के ये मेल्स आ रहे हैं, और फिर दूसरे पुनेट स्केयर में वाई इनो और एक्स इनो के साथ ये भी येलो रिंग नेक प्योर पैदा हो रहा है, और ये फीमेल है, यानी कि ये 50% येलो रिंग नेक पैदा हो गया। आप तीसरे और चौथे पुनेट स्केयर में देखते हैं कि एक्स इनो और एक्स ये पाइड है और ये मेल पाइड है, और चौथे में वाई इनो और एक्स है ये भी पाइड है लेकिन ये फीमेल पाइड है। तो इसका ये मतलब है कि 50% जो है पाइड या स्प्लिट या चेरी के इस पेयरिंग से पैदा हुए, और 50% जो है वो येलो रिंग नेक प्योर उसके दोनों ही मेल और फीमेल पैदा हुए। बहुत ही फैंटास्टिक किस्म की ये पेयरिंग रही जिसमें से आपने आधे से ज़्यादा येलो रिंग नेक निकाले। अगर आपने देखे 50 पेयर लगाए हैं तो 50 आपको 50 में से जो अगर चार बच्चे निकालते हैं तो 50 बच्चे मेल येलो रिंग नेक निकले और 50 फीमेल येलो रिंग नेक की, और फिर 100 जो है वो पाइड के निकल जाते हैं। अभी हम तीसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तीसरे ऑप्शन में इसका ऑप्शन का रिवर्स होगा,
और रिवर्स में आप अभी स्प्लिट का जो फी मिल थी जो आपने पिछली वीडियो में पैदा की उनको आप एज ए फी में ले रहे हो और येलो का भी मेल ले रहे हो, तो दोनों इसका भी रिजल्ट जो है वो तकरीबन एक जैसा ही है। अभी इसका रिजल्ट देख सकते हैं, जो येलो का मेल है उसका जीनोटाइप एक्सिन और एक्सिनो है, और जो पाइड का जीनोटाइप है वो एक्सिनो और वाई है। और एक्सिनो और वाई की सूरत में आप देखें पुनेट स्केल में रिजल्ट क्या आएगा कि एक्सिनो और एक्सिनो ये येलो रिंग नेक के मेल पैदा हुए, दूसरे पिनट स्केयर में एक्सिनो और एक्सिनो ये येलो रिंग नेक के ये भी इन्होंने मेल पैदा किए, तीसरे पुनट स्केयर में वाई और एक्सिनो दैट मीन कि ये पाइड आए और पाइड की फीमेल है, और इसी तरह चौथे पुनट स्केयर में वाई और एक्सिनो ये भी पाइड की ये फीमेल आएगी। तो इस तरह आपने देखा कि 50% जो है येलो रिंग नेक दिए और 50% जो है पाइड दिए, अगेन वेरी वंडरफुल किस्म की ये क्रॉस ब्रीड, और बहुत अच्छा रिजल्ट आया और फैंटास्टिक रिजल्ट आया। और इसके साथ ही अगली वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत पे हाजिर होंगे, आज की एक वंडरफुल वीडियो जिसमें हमने नॉर्मल चेरी पाइड से आपको 50% येलो रिंग नेक, अगर आप 50 चेरी पाइड लगाते हैं तो आप तकरीबन 100 जो है येलो रिंग नेक के बच्चे लेंगे। तो इस हिसाब से बहुत वंडरफुल वीडियो, और इसके साथ ही हम आज आपसे इजाज़त चाहते हैं, अगली वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत पे हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच।